हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन टुडेज मेन्यू विद शुभी मिनाज। तो मैं हूँ शुभी और आज मैं बनाऊंगी हैरी पॉटर केक। तो इसके लिए कुछ हैरी पॉटर का टॉपर होगा वो बनाना है मुझे और इसका फ्लेवर जो है चॉकलेट होगा। तो चलिए जल्दी जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं और बनाते हैं हैरी पॉटर केक, हैरी पॉटर चॉकलेट केक। तो इसके लिए मैंने लिया 1 कप चॉकलेट प्रीमिक्स और इसको थोड़ा थोड़ा पानी दे के बहुत अच्छा सा लम फ्री बैटर बना लेंगे जैसा बनाते हैं हम, और इसको थोड़ा सा थिक रखेंगे। चॉकलेट केक का जो प्रीमिक्स को हम बैटर बनाते हैं ना वो थोड़ा सा थिक होना चाहिए तभी आपका केक बहुत अच्छा होगा। तो इसको खूब अच्छे से फेंटेंगे, उसके बाद इसमें 1 टीस्पून ऑयल मिलाएंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको मैंने टॉल केक के जो बीच वाला होता है ना 5 इंच वाला टिन होता है उसमें मैंने डाल दिया है बेक होने के लिए। इसको बराबर कर देंगे अच्छे से ताकि डोम शेप नहीं आए। अब मेरा ओवन जो है ऑलरेडी प्री हीट हो रहा है 160 डिग्री पर, तो इसको ले जाके बस उसमें डालना है मुझे। और दोनों रॉड ऑन था ओवन का, बाद में इसको बेक करते टाइम हम नीचे के रॉड को ऑन करेंगे और आधे घंटे का टाइमर सेट कर देंगे। और जब तक ये बेक हो रहा है हम गनाश रेडी कर लेंगे। तो गनाश के लिए मैंने 1 पार्ट चॉकलेट का लिया है, उसको छोटे टुकड़े में काट के इसमें 1 कप क्रीम मिला है, व्हिपिंग क्रीम 1 कप के करीब, नाप के तो नहीं मिलाया मैंने, ऐसे अंदाजे से मिलाया और इसको मेल्ट कर लिया। तो गनाश रेडी हो गया है, तो गनाश बना के साइड में मैंने रख दिया था ठंडा होने के लिए। अब हमें टॉपर बनाना है, तो ये टाइलस पाउडर है जो कि रेनी सीजन में आपको फॉन्डेंट में मिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका फॉन्डेंट जो है मेल्ट होने लगेगा। अब ब्लैक कलर का सबसे पहले फॉन्डेंट लिया मैंने और उसको रोल किया है, और रोल करने के बाद 2 नोज़ल की मदद से मैंने हैरी पॉटर का चश्मा बना लिया। एक बड़ा नोज़ल लिया, एक छोटा, और इस तरह से कट करके मैंने चश्मा रेडी कर लिया इसका। अब चश्मे को कनेक्ट करने के लिए मैंने छोटा सा फॉन्डेंट कट किया है दोनों, और इस तरह से लगा दिया। अब जो चश्मे की डंडी होती है वो बनाना है, तो पतला पतला 2 स्ट्रिप कट करके इस तरह से फोल्ड करके लगा दिया है। तो चश्मा जो है लगभग रेडी हो गया मेरा। अब मुझे बनाना है हैरी पॉटर का मफलर जो कि येलो और रेड के शेड में होगा। तो इस तरह से मैंने पहले एक वाइट फॉन्डेंट को बेल लिया लंबे में, पतला लंबा बेल लीजिए, बहुत पतला बेल लीजिए इसको। इसके बाद इसको स्केल की हेल्प से एक पतली सी स्ट्रिप काट लेंगे। अब ये रेड कलर का फॉन्डेंट लिया था मैंने, उसमें थोड़ा सा पर्पल कलर मिलाया था तो ये वाला शेड निकला, तो यही वाला शेड चाहिए था, इसी तरह का कलर था उसमें जो फोटो मेरे साथ शेयर की गई थी उसमें। तो बस इसका जो है छोटे छोटे पीस कट कर लेंगे, मतलब मफलर जैसा होता है थोड़ा येलो थोड़ा रेड, उस टाइप से काट लेंगे येलो को भी और रेड को भी। तो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, प्यारी होने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो बस ऐसे से टुकड़ा कट कर लेंगे, अब इस तरह से चाहिए था। अब ये हो गया, अब येलो कलर का फॉन्डेंट लिया मैंने, और बस इससे भी इसी तरह का जैसे मैंने रेड से कट किया वैसे ही काटना है। तो वैसे ही स्क्वायर पीस कट करके मैंने लगा दिया बीच में। अब छोटे छोटे पीस उठाया है और उसमें इस ये झालर जैसा बनाना है मफलर के एंड में जैसा होता है वैसा, उसके लिए पतला पतला कट करके उसको रोल कर दिया, इस तरह से कट किया और उसको रोल करके वहाँ लगा दिया। अब ये सारे जो झालर है इसके ऊपर छोटे छोटे बटन लगा हुआ था, तो मैंने येलो कलर का एक पेन का ढक्कन लिया, पेन उससे कट करके छोटे छोटे बटन निकाल लिया, उसमें बीच में दो दो होल बना दिया जैसे बटन में होता है। और हर जो झालर बनाया, तीन तीन झालर दोनों साइड में लगा है, तो तीनों झालर के ऊपर मैंने इस तरह से बटन सेट कर दिया। अब इन सब चीज़ों को मैंने पानी लगा लगा करके अच्छे से चिपका दिया, और इसके बाद मैंने बनाया हैरी पॉटर का कैप। पहले तो इसको अच्छे से चिपका दिया। अब ये दो चीज़ रेडी हो गई है मेरी, मफलर और ये चश्मा। ये दोनों चीज़ बना के मैंने साइड में रख दिया।
उसके बाद मैंने शुरू किया हैरी पॉटर का कैप बनाना। तो कैप इस तरह से कोन के जैसा मैंने ब्राउन कलर का फोंडेंट लिया, उसको कोन के जैसा शेप दिया, ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड किया, उसमें आँख नाक मुँह क्या क्या होता है सब बनाया, और उसके बाद थोड़ा सा फोंडेंट को ब्राउन ही वाले को बेल के उसके ऊपर कैप रख दिया। अब ये स्निच जो होता है हैरी पॉटर का वो बनाया, उसके लिए लीफ बनाया ग्लिटर वाले पेपर से। उसके बाद ये स्वॉर्ड है या हैरी पॉटर का झाड़ू है, पता नहीं क्या है, जो भी है उसको मैंने बना लिया जैसा कि पिक्चर में था। और ये जितना ब्राउन कलर का जो भी चीज़ मैंने बनाया ऊपर से ब्राउन डस्ट कलर से इसको और डार्क ब्राउन किया, क्योंकि फोंडेंट में कलर मिलाने से कलर उतना डार्क नहीं हो पा रहा था, तो फिर पाउडर कलर से इसको बनाया, डार्क किया कलर को। ये स्निच का जो बॉल होता है वो बनाया, उसके ऊपर जो जो शेप होता है वो पतला सा फोंडेंट को रोल करके उससे उस शेप को दिया, सबको पानी लगा लगा के मैंने चिपकाया। और इसको फिर जो बॉल होती है वो गोल्डन होता है, तो उसको गोल्डन डस्ट कलर जो होता है ये स्प्रे वाला, इससे मैंने पूरा गोल्डन कर दिया उसको। और ये जो स्टिकर वाला ग्लिटर पेपर था मेरा, उसमें इस तरह से दो डंडी स्टिक की है जो कि इसको हम बॉल के अंदर डालना है इस तरह से। तो ये मेरा फोंडेंट का सारा टॉपर जो है रेडी हो गया है। अब चलते हैं केक की तरफ। तो केक भी मेरा बेक हो गया है और ठंडा भी हो गया है, इसको डीमोल्ड कर लिया है। तो देखिए कितना अच्छा स्पंज जो है बेक हुआ है केक का। अब इसको हम चार लेयर में कट करेंगे, क्योंकि थोड़ा ये टॉल है तो चार लेयर में कट कर लेंगे। बोर्ड पर क्रीम लगाना है ताकि केक की लेयर जो है अच्छे से बोर्ड पर स्टिक हो जाए। उसके बाद इसको चीनी पानी के मिक्सचर से हम सोक कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम क्रीम लगाएंगे। तो आज जो मैं केक बना रही हूँ ना, ये इसी दिन मैंने दो केक बनाया था साथ ही में, दोनों चॉकलेट फ्लेवर ही था, तो बस इसकी क्रीम उसमें जो बच गई थी सबको एक दूसरे में सेट कर दिया मैंने। तो ज़्यादा केक एक साथ बनाना होता है तो क्रीम का वेस्टेज बहुत कम होता है, अच्छे से यूज़ होती है क्रीम। इसके ऊपर गनाश लगाना है, बहुत अच्छे से लगाना है, ढेर सारा लगाना है ताकि अच्छा टेस्ट हो, क्योंकि इस केक के ऊपर से कोई चॉकलेट नहीं जाएगा। ऊपर तो टॉपर है और उसका अपना एक डिज़ाइन है, नॉर्मल चॉकलेट केक होता है तो ऊपर से भी हम चॉकलेट ड्रिपिंग करते हैं या चॉकलेट लगाते हैं तो चॉकलेट का और टेस्ट आ जाता है। लेकिन जब भी आप ऐसा केक बना रहे हैं जिसमें सिर्फ अंदर ही में चॉकलेट डालना है तो चॉकलेट अच्छे से डालिए। तो इसी प्रोसेस से हम अपने पूरे केक को कवर कर लेंगे, सारे लेयर में ढेर सारा गनाश डालेंगे हम, और सबसे लास्ट में हम जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसको लगाएंगे सबसे ऊपर में, जिससे कि एक लेवल होता है केक का उसमें क्रम नहीं होता है तो आपको फाइनल फ्रॉस्टिंग करने में डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तो इसीलिए सबसे नीचे वाली लेयर को हम हमेशा ऊपर की तरफ रखते हैं। तो उसकी क्रम कोटिंग कर देंगे अच्छे से, उसके बाद बोर्ड भी साफ कर लेंगे और उसको रख देंगे फ्रिज में ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए। अब ये सेट हो गया है, फ्रिज से निकाल लिया। अब इसके को हमें बाहर से वाइट ही करना है, तो वाइट कलर की क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में भरा और नीचे से ऊपर तक पाइपिंग बैग से ही हम क्रीम लगाएंगे। और बस पैलेट नाइफ से इसको हमें मिलाना है साइड से, ऊपर से भी एक बार पैलेट नाइफ से मिला लेंगे। उसके बाद हम इसको स्क्रेपर से ठीक करेंगे और स्क्रेपर घुमाते ही आपका केक जो है बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो केक मेरा लगभग कंप्लीट हो चुका है, साइड से हो गया, ऊपर की भी क्रीम को मैंने हटा लिया है। अब क्या करना है, अब कुछ भी अब खास नहीं करना है, बस मेरे पास छोटा छोटा हार्ट है गोल्डन और वाइट और दो कलर का, तो ये गोल्डन वाला जो है ना ये पूरे केक के साइड पर लगा देना है। ऐसे ही मुझे जो पिक्चर भेजी गई थी उसमें भी ऐसे ही था,
तो उसमें तो फॉन्डेंट से बना हुआ था हार्ट, लेकिन मेरे पास था ही ऑलरेडी गोल्डन स्प्रिंकल वाला जो आता है शुगर वाला, तो उसको लगा दिया साइड में। और ऊपर से अब इसके ऊपर सारे टॉपर्स को सेट करना है। तो ये मफलर रख दिया सबसे पहले जो पीछे की तरफ था, साइड में हैट रख दिया, उसका स्नेच रख दिया है, और आगे में ये जो चश्मा है वो रख दिया है, और साइड ब्रोमिस्टिक रख दिया है, और ब्लैक कलर के फॉन्डेंट से ही नाम कट का लेटर्स जो है वो कट करके रखा था वो लगा दिया है नीचे की तरफ केक के ऊपर ही। और बस इसके बाद मेरा केक रेडी हो चुका है। एक बर्थडे का टैग भी लगाया था मैंने। अब सारे टॉपर्स को मैंने अच्छे से सिक्योर कर दिया था टूथपिक के साथ, क्योंकि इसको थोड़ा सा दूर जाना था तो ये गिर जाता केक के ऊपर से, तो हर जगह मैंने टूथपिक लगा के इसको सिक्योर कर दिया था। और उनको बता भी दिया था जिनको दिया था कि इसमें टूथपिक लगी हुई है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि खेल खेल में किसी को लग जाए। तो ये वाली डेकोरेशन आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ऑन टूडेज मेन्यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।